हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। आज दिल्ली में बीजेपी राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी राज्यों के पदाधिकारी शामिल हुए। बीजेपी के राष्ट्र उपाध्यक्ष और पूर्व सीएम रमन सिंह भी दिल्ली में इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर भी विशेष चर्चा हुई है। पार्टी के आगामी 3 महीनों के कार्यक्रम पर विचार विमर्श के बाद उसे तय कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, सांसद सरोज पांडे, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, सांसद अरुण साव और पूर्व मंत्री लता उसेंडी वर्चुअली इस बैठक में शामिल हुए। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने बताया कि छत्तीसगढ़ के लिहाज से यह बैठक बेहद अहम है। बैठक में आने वाले दिनों में होने वाले 5 राज्यों के चुनाव को लेकर, छत्तीसगढ़ सरकार को घेरने, कई मुद्दों को लेकर बीजेपी के प्रदर्शन, बूथ मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ की दृष्टि से चूंकि अभी राजनीतिक प्रस्ताव भी हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने छत्तीसगढ़ के विषय को लेकर अपने उद्बोधन में उल्लेखित भी किया है, यहाँ की परिस्थितियों को भी उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में उद्बोधित किया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ राज्य जिस प्रकार से यहाँ की राज्य सरकारें काम कर रही हैं, उन विषयों को लेकर हमारे कार्यकर्ता सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए नीचे उतरेंगे। जी, छत्तीसगढ़ का उल्लेख भी आज राष्ट्रीय कार्य समिति के उद्बोधन में अध्यक्ष जी का आया है और उन्होंने इसको लेकर के फोकस भी किया है कि छत्तीसगढ़ में हम आगामी समय में सरकार बनाएंगे और उसके लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं।